आज मैं जो कुछ भी हूँ या जो कुछ भी मैं डिजर्व करती हूँ, पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ को जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है निशा और आज का दिन बहुत ही प्यारा दिन है। हैप्पी मदर्स डे। कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ ही होती है। माँ का प्यार, माँ का त्याग और माँ की प्रेरणा ही हमें कामयाबी तक पहुँचाती है। एक माँ को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? एक माँ और बच्चे के बीच में जो प्यार होता है, जो माँ की ममता होती है, उसे बयां करने के लिए शब्द हमेशा ही कम पड़ जाते हैं। जिंदगी बिगाड़ तो कोई भी सकता है, पर जिंदगी बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास है, या फिर भगवान ने ये अधिकार दिया है एक माँ को। माँ के भीतर ही जिंदगी शुरू होती है और हर जिंदगी माँ के प्यार के साथ ही शुरू होती है। वो माँ जो बदले में कुछ नहीं चाहती। एक माँ को उसके सच्चे प्यार के लिए धन्यवाद दे पाना है तो बहुत मुश्किल, पर आज हम दुनिया की हर माँ को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी ऑलवेज। जानते हैं भगवान ने माँ को क्यों बनाया? उन्होंने माँ को धरती पे भेज दिया ताकि उनका अपना काम आसान हो सके। माँ जो अपने बच्चों का सहारा बनती है, निस्वार्थ रूप से उन्हें प्यार देती है, अपनी ममता उनके ऊपर न्योछावर कर देती है, हर दुख सुख में उनका हाथ थाम कर रखती है और अपने बारे में नहीं सोचती, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के सपने पूरे करने के बारे में सोचती है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर हमें समझ में आता है कि माँ के प्यार के बिना ये जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती थी। ऐसी ही एक माँ के त्याग और माँ के प्यार की कहानी लेकर हाजिर हो गई हूँ। कहानी का नाम है माँ का प्यार। एक बार की बात है, एक कपल होता है जिनका एक बेटा होता है रोहित। बेटे को बहुत ही प्यार से, बहुत ही नाजों से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। माँ उसके हर सुख दुख में उसका साथ देती है, उसे हमेशा प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। पढ़ लिख कर वो लड़का भी एक बड़ा आदमी बन जाता है और समय आ जाता है उसकी शादी करने का। धूमधाम से बेटे की शादी करते हैं दोनों मिलकर और घर में बहू लेकर आते हैं। कुछ ही दिनों के बाद बेटे के लिए माँ बाप बोझ बन जाते हैं। वो माँ बाप जो पहले उसकी जिंदगी में सब कुछ थे, आज उन्हें देखकर उसे चिड़चिड़ाहट होने लगती है। कुछ दिनों के बाद ही उसके पिता की तबीयत खराब होती है और उनका देहांत हो जाता है। माँ और पत्नी के बीच में नोकझोंक होती है, जिसकी वजह से परेशान होकर रोहित माँ को वृद्ध आश्रम
चाहिए। सोचती हूँ कल अगर तेरा बेटा तुझे यहाँ छोड़ गया तो तू इतनी गर्मी में कैसे रह पाएगा, बिना खाने के कैसे सो पाएगा। इसलिए बस इतना ही चाहती हूँ कि जब तू यहाँ पर आए तो तुझे वो हर सुख सुविधा मिले जिससे तू शांति की जिंदगी जी सके। माँ की इस बात ने रोहित को बिल्कुल तोड़ दिया था। रोहित को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, पर अब रोहित के पास कुछ भी बदलने का समय नहीं बचा था। समय रहते अगर उसने माँ की इस तकलीफ को समझा होता तो शायद आज वो अपनी माँ को ना खो देता। उम्मीद करती हूँ इस कहानी ने आपको भी कुछ जरूर सिखाया होगा। माँ का महत्व हम सब जानते हैं, बस उसे संजो कर नहीं रखते। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपका अपनी माँ के प्रति प्यार और सम्मान और बढ़ जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी ही एक और मजेदार कहानी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्टे फिट एंड आई विल बी बैक सून। वेट फॉर मी। बाय बाय।